इन दोस्तों, मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा वीडियो के लोगों पर लिख रहा था कि दो दिशाओं वाले क्वेश्चनों को कैसे हल करें, 2 सेकंड सॉल्व। दोस्तों, 2 सेकंड में क्वेश्चन कैसे हल करें, 2 सेकंड में अपने क्वेश्चन को हल करते हुए अपना समय कैसे बचाएं हम। तो दोस्तों, हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते दोस्तों, और आपके लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक लाते हैं दोस्तों। आपके जीवन को हम बेहतर बनाने में लगे हुए हैं दोस्तों, तो आप भी कभी हक बनता है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों, इस समझते हैं हम इन दो दिशाओं वाले प्रश्न को दोस्तों। दोस्तों, दो समय दिया होगा, दो दिशा तो होंगी दोस्तों, दो समय दिए होंगे दोस्तों, जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 दिया है दोस्तों। पूछ लेगा कि 1 साथ कब होंगी सुई, ये टाइप बन गया है दोस्तों, फर्स्ट टाइप फर्स्ट हो गया है दोस्तों। फिर समय दिया है आपको, मान लो सपोज करो 2 और 3 ही दिया है दोस्तों। पूछ लेगा कि ये कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगी दोस्तों, कितने बोला 2 और 3 के बीच समकोण डिग्री कोण कब बनाएंगी, और 2 और 3 के बीच कितनी 3 मिनट आगे होगी, 3 मिनट पीछे होगी दोस्तों। ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो हम अपना टाइप फर्स्ट देखेंगे दोस्तों। तो प्रश्न 1 है दोस्तों, प्रश्न 1 है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच मिनट व घंटे की सुई एक साथ होंगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम टाइप कोई सा भी चलाएं दोस्तों, सुपर फास्ट ट्रिक के साथ ही चलाते हैं, सुपर फास्ट ट्रिक दोस्तों। और इसमें भी सुपर फास्ट ट्रिक बताएंगे दोस्तों आपको, पर आपको इसमें थोड़ा कंसेप्ट समझना है दोस्तों। कंसेप्ट सबसे बड़ा होता है, आपने कंसेप्ट समझ लिया ना दोस्तों, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे दोस्तों, और कैसे भी एग्जाम का आप क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, उसने कहा 3 और 4 के बीच मिनट की वह घंटे की सुई एक साथ कब होगी दोस्तों। एक साथ बताओ आप, एक साथ ऐसी ही तो होंगी, ऐसी होंगी घंटे और मिनट की सुई, या ऐसी होंगी, कैसे ही मान सकते हो आप ऐसे होंगी, या पहली ये रही दोस्तों, दूसरी ये रही, ऐसी तो होंगी, ये 4 कंडीशन है दोस्तों, एक साथ ऐसे बनेंगी। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है दोस्तों, कंसेप्ट है वो, दो बटे 11 सूत्र है दोस्तों, सूत्र है, आप नोट कीजिए इसे, सूत्र 2/11 H1 दोस्तों। आपको बताएंगे दो समय, H1 है दोस्तों और H2 है, तो H1 प्लस माइनस और दोस्तों कोण, ये बनता है मेरा कोण, ये सूत्र है दोस्तों। 2/11 × 30 × H1 प्लस माइनस कोण। तो दोस्तों, ये कोण आपको निकालना है, यहाँ से सुई एक साथ होंगी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है इसमें समकोण एक साथ 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, सब कुछ बता रखा है दोस्तों। आपने हमारी अब तक वे वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो देख सकते हो दोस्तों। आप हमारी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, सरस्वती माँ का आइकन आ रहा होगा दोस्तों, और उस पर आप ओके करोगे तो हमारी सारी वीडियो खुलकर आ जाएंगी दोस्तों। तो आपको वीडियो देखनी है दोस्तों, उसमें सारा आपको सिखाया गया है, तो उसमें मैं बताऊँगा आपको सुई एक साथ होंगी, मैंने उसमें सब कुछ बताया दोस्तों। उस वीडियो में सुई एक साथ होंगी तो 0 डिग्री का कोण बनाएंगे दोस्तों। तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों हम, और आपको समय लेना है दोस्तों, 2 समय दिए होंगे आपको, प्रत्येक प्रश्न में 2 समय दिए होंगे, 3 और 4। तो दोस्तों, आपको H1 लेना है, H2 पर काटा लगा दीजिए दोस्तों, H2 पर काटा लगा दो दोस्तों, 2/11 और 30 × H1 दोस्तों 3 प्लस और माइनस और कोण दोस्तों 0 डिग्री का, यहाँ से मिला 0 डिग्री का हमें यहाँ से मिला, एक साथ होंगी। बूझता समकोण होंगी तो 19 डिग्री रखते दोस्तों, बूझता विपरीत होंगी तो 180 डिग्री रखते दोस्तों। और ये प्लस माइनस दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अभी प्लस माइनस दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, इसे फिलहाल आप भूल जाओ। ये दोस्तों, ये 360 से अधिक हो दोस्तों तो हम रखेंगे माइनस, 360 से अधिक कैसे दोस्तों, मान लो 30 है और गुना 30 = 90, और यहाँ होता कुछ 360 मान लो, तो 360 से ऊपर जा रहा है ना दोस्तों, तो हम माइनस लेंगे। फिलहाल एक कम है तो हम प्लस लेंगे दोस्तों, इस माइनस को मैं मिटा देता हूँ, मैं माइनस वाले भी कराऊँगा दोस्तों। 2/11
तीस या 90, और दोस्तों प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यह है गुना में दोस्तों 2/11 और गुना 90, तो 2/11 गुना 90 दोस्तों 180, 180/11, 180/11 दोस्तों आप ऐसे भी इसे आंसर हो, अगर आपके ऑप्शन में वाई ऑप्शन दे रखा है दोस्तों तो ठीक है, वरना आप ऐसे इसे दोस्तों 11 और 7 0 66 बचा 4 दोस्तों, तो 4 से ही 6/11 ये आपका प्रश्न आ गया दोस्तों, आंसर आ गया, सॉरी दोस्तों आंसर आ गया नहीं 16 दोस्तों 16 से ही 4/11 आंसर आ गया दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, कोई बात नहीं, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये अपना प्यार हम पर बनाए रखिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और आपको गलत कमेंट नहीं करनी है दोस्तों, और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों हम, तो शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब बढ़वाइए और लाइक कीजिए, और आपकी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने आपको अपना नंबर बता हुआ है कि 76 76 68 38 45 05 पर दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो दोस्तों। तो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच दोस्तों थ्योरी लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और हमें आपका टाइम नष्ट नहीं करना है दोस्तों, आपको कंसेप्ट सिखाना है दोस्तों, उंगली रीजनिंग दोस्तों आपकी उंगलियों पर रखवा देंगे हम, रीजनिंग मैथ दोस्तों आप हम पे छोड़ दो, आप हम पे छोड़ दीजिए दोस्तों रीजनिंग और मैथ। तो दोस्तों H1 लेंगे हम, समय 2 पर H2 पर काटा लगा दो दोस्तों, तो सूत्र है दोस्तों 2/11 30 गुना H1 प्लस माइनस और कोण, ये सूत्र बनता है दोस्तों, तो 2/11 दोस्तों 30 गुना H1 दोस्तों 1 और प्लस लेंगे दोस्तों, और ये एक साथ ही है दोस्तों, एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे दोस्तों, तो एक साथ मिलेंगे दोस्तों 0° का कोण बनाएंगे, और 2/11 गुना 30 30 और प्लस 0 तो 30 दोस्तों, और 30 60/11 और दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 11 5 55 बचा 5, तो दोस्तों 5 से ही 5/11 हमारा आंसर निकल कर आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, 5 से ही 5/11 हमारा आंसर है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। और ये थर्ड क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करना है हमें, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, ऐसे ही रीजनिंग आपकी उंगलियों पर रखवा देंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच ये भी 0° पर होंगी दोस्तों, एक साथ कब होंगी, तो H1 दोस्तों H1 2/11 30 गुना H1 प्लस माइनस कोण, अब तो ये सूत्र भी आपको याद हो गया होगा दोस्तों, तो 2/11 30 गुना 5 और प्लस लेंगे दोस्तों, क्योंकि 30 5 150 और 0 तो आ गए दोस्तों, 2/11 150 और 150 गुना करेंगे दोस्तों 300 300/11, अब आप इसे इधर भाग दे लीजिए दोस्तों 300/11, तो 11 × 22 दोस्तों और बचा 8 और 0 ऊपर की उतारी दोस्तों, 11 7 77 बचा 3, तो दोस्तों 27 3/11 जो हमारा फाइनल आंसर आया निकल कर दोस्तों, यही हमारा फाइनल आंसर था। अब चलते हैं दोस्तों हम कि ये जो कंडीशन है ना दोस्तों, ये 360 से अधिक हो जाए तो हम माइनस कैसे करेंगे, या अधिक होगी तो कैसे होगी और कहाँ तक होगी दोस्तों, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना देखेंगे क्वेश्चन 4, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, वीडियो रोक कर आप नोट कर सकते हो, और दोस्तों प्लीज़ आपके लिए यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपसे, और सभी को दोस्तों ये प्रोवाइड कराइए, फ्री का मौका दोस्तों सभी को उठाइए, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आपका हक बनता है दोस्तों कि हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
हम अपना क्वेश्चन चार देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन चार है दोस्तों, 10 और 11, 10 और 11 दोस्तों, समकोण कब बनाएंगे? समकोण, समकोण कब बनेंगे दोस्तों? समकोण शॉर्ट में चलते हैं दोस्तों थोड़ा, समकोण कब बनेंगे दोस्तों? तो सूत्र तो वही रहेगा दोस्तों, जब तक बात चल रही है कि समकोण कब बनाएंगे, एक साथ कब होंगी, विपरीत कब होंगी दोस्तों, तो तीनों पर दोस्तों प्रश्न बनेंगे। तो 2/11 दोस्तों, 2/11, 30 × H1 प्लस माइनस, और दोस्तों कोण, ये सूत्र है दोस्तों, 2/11, 30 × H1 दोस्तों 10, और प्लस या माइनस दोस्तों आप ये सोच लेंगे 19 डिग्री दोस्तों। अब आप यही सोच लो दोस्तों, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ आपको मन में सोचना है। H1 होगा दोस्तों 10 × 3, 300 तो यही होगा दोस्तों, 90 ये प्लस करेंगे हम तो 360 से अधिक जा रहा है दोस्तों, हमें माइनस लेना है दोस्तों, माइनस कर देंगे यहाँ कर देंगे हम माइनस दोस्तों। ये 360 से अधिक होना चाहिए, आप सोच रहे होंगे ये गुना करके 360 से अधिक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये कम होना चाहिए 360 से, ये 360 से कम होना चाहिए दोस्तों, 2/11 और 300 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस 90, तो दोस्तों 2/11 × 210, और दोस्तों इसे गुना कर देंगे हम ऊपर तो 420/11, और भाग दे देंगे दोस्तों हम 11, तो दोस्तों 11 × 33, सॉरी दोस्तों 11 × 33, और बचा दोस्तों 7 × 2 = 90, 11 × 8 = 88 दोस्तों, बचा हमारा 2, तो 38 सही 2/11 जो हमारा आंसर आ गया दोस्तों, यही हमारा फाइनल आंसर था दोस्तों। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर दबा के करते रहिए दोस्तों, लाइक शेयर दबा के करते रहिए, और कमेंट कीजिए कि हम किस विषय पर या कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं दोस्तों। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, 8 और 9 के विपरीत दिशा में, 8 और 9 दोस्तों, 8 और 9 विपरीत दिशा दोस्तों, विपरीत दिशा में कब होंगी लिख सकते हो आप दोस्तों, लिखना चाहते हो तो 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुई घंटे और मिनट की सुई दोनों विपरीत दिशा में कब होंगी दोस्तों? तो सूत्र वही रहेगा दोस्तों, आपको याद भी होगा दोस्तों, 2/11 30 × H1 प्लस माइनस कोण, कोण दोस्तों, तो H1 दोस्तों, H1 H2 पर काटा लगा दो दोस्तों, काटा, काटा बोलते हैं जिसे दोस्तों, 2/11 30 × 10 = 8 रखेंगे दोस्तों, और प्लस या माइनस दोस्तों वो आप बताएंगे दोस्तों, विपरीत दिशा में। अगर आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप प्लीज़ उस वीडियो जाकर देख लीजिए, विपरीत दिशा में दोस्तों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं दोस्तों विपरीत दिशा में, तो 180। अब आप सपोज कीजिए दोस्तों 8 से 24 240 तो ये होगा दोस्तों, और 180 है तो 360 को पार कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ हम प्लस नहीं ले सकते, यहाँ लेंगे तो हम माइनस। अब ये पर आराम से सोल्व हो जाएगा दोस्तों, 2/11 और गुना 8 या 24 240 दोस्तों माइनस 180, और इसे माइनस करेंगे दोस्तों हम, इधर लिख लेता हूँ मैं, 2/11 × 60 हो जाएगा दोस्तों, 180 40 माइनस करेंगे दोस्तों 60, और 120/11 ये जो हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। बाय ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ दे रखा है आंसर, तो ठीक दोस्तों, और नहीं दे रखा तो दोस्तों इसे हम थोड़ा और डीपली करेंगे नीचे, 120/11 दोस्तों, 11 × 11 बचा 1 और 0 दोस्तों, 0 की 0 10, तो दोस्तों 10 सही 10 बार जाएगा ना दोस्तों, पारा 10 बार चला दोस्तों, इसमें 11 धाम 110 और बचा 10 दोस्तों यहाँ, तो हमारा 10 सही 10/11 हमारा आंसर आ गया दोस्तों, 10 सही 10/11 हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ये टाइप कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखने वाले हैं अपना सेकंड टाइप दोस्तों। आप मैं आशा करता हूँ दोस्तों
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट टाइप भी दोस्तों इसी के जैसा बड़ा प्यारा होने वाला है। और मैं सोच सकता हूँ दोस्तों कि आपका इसे देखने के बाद दोस्तों जितनी भी हमारी वीडियो बनी है दोस्तों उन्हें आप कंप्लीट करने के बाद आप कोई सी बुक उठा लेना दोस्तों, आपसे प्रश्न नहीं बचेगा। और दोस्तों कॉपी या किताब दोस्तों आपको जब भी लगानी है जब आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों बेकार होता है, अधूरा ज्ञान दोस्तों बेकार होता है बिल्कुल। आप जब पूरी हमारी वीडियो कंप्लीट कर लो दोस्तों, इस सर्कल पूरा कर लो दोस्तों, तो आप फिर कोई सी भी बुक लगाना दोस्तों, आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो हम सेकंड टाइप देखते हैं दोस्तों। सेकंड टाइप में आपको बता दूं दोस्तों कैसा होगा, दो और चार समय दिया है दोस्तों, उसमें पूछ रहा था समय मिनट और घंटे की सुई विपरीत दिशा में कब होगी, इसमें पूछेगा दोस्तों दो और चार के बीच, दो और चार के बीच दोस्तों कितना समय होगा या कब जाकर वो होंगी दोस्तों। तो हम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न जो बना दोस्तों, प्रश्न वन है दोस्तों, दो और चार के बीच दोस्तों, दो और चार के बीच सुई कितना चलेंगी, कितना चलेंगी, ये प्रश्न है दोस्तों। एक बार मैं देख लेता हूँ, यही प्रश्न है क्या? जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है, दो और चार के बीच सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रश्न में दोस्तों इतना लंबा प्रश्न याद नहीं हो पाता, दो और चार के बीच घंटे वाली सुई कितना चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों दो और चार बात कही है चलने की दोस्तों, तो दो घंटे चलेगी और दो घंटे में दोस्तों मिनट होती है हमारी 60, तो हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो 120 मिनट हमारी रात हुई दोस्तों, 120। अब दोस्तों मैंने जो कंसेप्ट दोस्तों आपको बताया बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल डीपली दोस्तों, आप बिल्कुल नए भी हो ना दोस्तों तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी है दोस्तों, आप उसे देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया दोस्तों, घंटे वाली सुई कितना चलेगी एक मिनट में, मैंने आपको लिखवाया था नोट करके दोस्तों कि घंटे वाली सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री चलती है दोस्तों। उस वीडियो को आप देखना, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ गुना में रखना बस दोस्तों, घंटे वाली की बात होगी दोस्तों तो हम घंटे वाली रखेंगे 1/2, और मिनट वाली की बात होती है दोस्तों तो 6 रखते हैं, मिनट वाली सुई दोस्तों 6 डिग्री चलती है, बस गुना में रख दो, कुछ नहीं दोस्तों इन सवालों में, आप मन में कर सकते हो दोस्तों बिना पेन पेपर उठाए दोस्तों। इसे काटेंगे दोस्तों तो हम 60 और 60 डिग्री चलेगी दोस्तों, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया निकल के, यही हमारा फाइनल आंसर था। कुछ नहीं करना दोस्तों, प्रश्न में खुद नहीं कहा है दो से चार के बीच घंटे वाली सुई कितना चलेगी, तो दोस्तों दो के चार बीच दो घंटे तय करेगी, कोई सर्कल है दोस्तों 12, 6, 9 और 3 1, 2 तो दोस्तों 4 सुई यहाँ से चली दोस्तों, यहाँ से चली और यहाँ आ गई दोस्तों, उसके बीच में दोस्तों ना दो घंटा समय पूरा करेंगे दोस्तों, 1 और 2 दो घंटा समय पूरा करेगी दोस्तों, तो 2 घंटे दोस्तों और 2 मिनट 60 हो गए, 120 हो गए दोस्तों 1/2, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, गुना में रखना है दोस्तों, ठाके काट दो और आंसर आपके साथ। तो सेकंड क्वेश्चन देखें दोस्तों, आंसर दोस्तों मन में ही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 4 मिनट वाली सुई है, पूछ लिया दोस्तों आपके 2 से 4 बजे मिनट वाली सुई कितना चलेगी दोस्तों, मिनट वाली सुई कितना चलेगी दोस्तों ये प्रश्न है आपके सामने। तो फिर वही दोस्तों, मिनट वाली सुई 2 से 4 2 घंटे चलेगी दोस्तों, 2 घंटे तय करेगी ना दोस्तों, वे 2 घंटे और फिर से दोस्तों 60 मिनट, क्योंकि दोस्तों 2 घंटे तय करेगी और 2 घंटे में होती है हमारी 120 मिनट, 60 होती है ना 1 घंटे में, तो 120 मिनट तो हमारी दोस्तों ये आ गई। पर आपको थोड़ा चेंज है दोस्तों, रखना हमें गुना में ही है पर थोड़ा चेंज है दोस्तों, पहले घंटे वाली मिनट थी दोस्तों, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 6 डिग्री का,
मैंने आपको उसमें पूरा कंप्लीट करा रखा है दोस्तों, ये बेसिक मिनट वाली सुनिए, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 6 गुना में रख देंगे बस और कुछ नहीं दोस्तों। तो 0 6 2 12 हासिल लगाए, 6 और 1 7, 720 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ मन मन में ही दोस्तों हम इसका आंसर ला सकते हैं बिना पेन पेपर के दोस्तों। 2 से 4 2 घंटे तय करेगी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है दोस्तों, 60 1 से 20 और गुना में रख देंगे दोस्तों। घंटे वाली उसकी बात करें तो 1/2 और मिनट वाली की बात करें तो 6। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 6 क्यों रख रहे हैं और 1/2 क्यों रख रहे हैं दोस्तों। तो हम अपना देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन कि यहाँ तो आपको पूरा समय दे रखा है दोस्तों, 2 से 4 आपको दे दे 3:45, तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले दोस्तों, आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 12 से 3:45 तक घंटे की सुई कितना चलेगी, 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई दोस्तों, घंटे की सुई कितना चलेगी दोस्तों, यह प्रश्न है दोस्तों 12 बजे से। जी हाँ दोस्तों यही प्रश्न है। तो 12 से 3:45 तक कितना चलेगी दोस्तों, आप बताइए कितना चलेगी दोस्तों, 3 घंटे 45 मिनट चलेगी दोस्तों। अब इस 3 घंटे में दोस्तों 60 मिनट बताई होंगी दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 से 160 ही गुना कर देंगे दोस्तों, तो 6 से 18 दोस्तों 180 मिनट तो आ गए दोस्तों 3 घंटे, 45 अभी अलग है, 180 में आप 45 प्लस कर दो दोस्तों, तो ये 225 हो जाएगा दोस्तों, और 225 आ गए दोस्तों पूरा 3:45, 3 घंटे 45 मिनट का दोस्तों 225 हमारा आ गया, 225। अब गुना में तो हमें रखना ही दोस्तों, गुना में बात किस सुई की कर रहा है दोस्तों, में घंटे वाली सुई, तो दोस्तों घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री को। तो दोस्तों देखो आप काटे, अभी फिलहाल नहीं कट रहा है, 2 से 25/2 बाई ऑप्शन आपको यही आंसर दे रखा है दोस्तों, तो आप इसे भी सही कर सकते हो, और ये नहीं दे रखा दोस्तों तो हम थोड़ा भाग दे लेंगे दोस्तों, 225 2 5, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 1 से 14 सही, 1/2, ये हमारा आंसर है दोस्तों। ये 1/2, और दोस्तों आप फिलहाल इसे इधर नोट कर लो दोस्तों, इधर कर लो आप 1/14 सही 1/2। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, और भाई ऑप्शन दोस्तों आपको ये भी नहीं दे रखा है, तो फिर कैसे करेंगे आप दोस्तों। आपको मान लो एक ऑप्शन दे दिया दोस्तों, ये तीनों को एक साथ नहीं देगा दोस्तों, ये दे दिया तो ये आंसर है, ये नहीं दिया दोस्तों तो ये आंसर है, ये भी नहीं दिया दोस्तों तो 11 दोस्तों, 11 दूनी 22 और बचा 2 दोस्तों 5 और 2 दूनी 4 और बचा 1 5, 112 सही 1/5 दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ गलती हो गई, ये 112 ही है, 112 है दोस्तों, ये 112 सही 1/2, 112.5 दोस्तों, तीनों को एक साथ नहीं देगा, क्या तो ये देगा या ये देगा या ये देगा दोस्तों, एक ना एक देगा, इस 5 का ही दोस्तों याद है ना, एक का आधा होता है तो दोस्तों 1/2, एक हिस्से का आधा, आपको कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल देखते ही आंसर लाना है दोस्तों, आँख में देखते ही आंसर लाना है। और दोस्तों जो बेचारे अपना ट्यूशन नहीं लगा सकते, जो बेचारे मेहनत भी करते हैं, पैसा न होने की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन्हें हमारे चैनल से जोड़िए, हमसे भी जो भी मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे दोस्तों। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, लोंडो को जोड़ो दोस्तों, दबा के लोंडो को जोड़ो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, 6 से 7 बजे तक मिनट की सुई कितना चलेगी, 6 से 7 मिनट की सुई दोस्तों, मिनट की सुई कितना चलेगी दोस्तों, 6 से 7 एक घंटा चलेगी दोस्तों, 60 गुना 1 घंटा चलेगी दोस्तों। अब मिनट वाली सुई कही दोस्तों, 6 6 6 36 दोस्तों, 360 डिग्री कौन चलेगी दोस्तों, 360 चलेगी, ठीक दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये टाइप भी ख़त्म होता है, मैं आशा करता हूँ कि आपके ये टाइप बढ़िया समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो,
और आप इसे शेयर करो दबा के दोस्तों। थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने शेयर कर दिया होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों शेयर करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप दोस्तों हमने दो टाइप देख लिए, दो समय पर दोस्तों, ये थोड़े सेम है दोस्तों, आपको थोड़ा ये अंतर पहचान डिफरेंस करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो बना दोस्तों, दो से चार और दो से चार दोस्तों, ये थोड़ा ये चार तीन पर्सन है दोस्तों, इसमें थोड़ा अलग अलग कंडीशन हो जाती है दोस्तों। पहली कंडीशन में कहा दो से चार विपरीत दिशा में कितनी दूर चलेंगी दोस्तों, या 19 डिग्री में कब मिलेंगी, ये होगा दोस्तों पहला टाइप। 19 डिग्री कब बनेंगी समकोण डिग्री, और दोस्तों 180 डिग्री पर कब मिलेंगी। और ये जो सेकंड टाइप था दोस्तों, दो से चार बजे सुई वाली घंटे वाली सुई कितना चलेगी। और जो ये सेकंड थर्ड टाइप है दोस्तों, थर्ड इसमें पूछा दोस्तों, दो से चार चल रही है दोस्तों, पर मिनट वाली सुई 3 मिनट आगे है या 2 मिनट पीछे है दोस्तों, घंटे वाली सुई 3 मिनट आगे है या 2 मिनट पीछे है दोस्तों, इस पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों इससे अलग आपका कुछ भी इसमें टाइप नहीं रह जाता दोस्तों, यह बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखने वाले अपना प्रश्न वन। प्रश्न वन बनता है दोस्तों आपके सामने, चार और पाँच के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई सुई 3 मिनट की दूरी पर होंगी दोस्तों, 3 मिनट की दूरी पर होंगी। एक बार हम अपना प्रश्न चेक कर लेते हैं दोस्तों, 4 और 5 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई 3 मिनट दूरी पर होंगी। 4 और 5 के बीच समय की मिनट की सुई और घंटे की सुई 3 मिनट की दूरी पर होंगी दोस्तों। तो दोस्तों दूरी मैं आपको इसमें दो कंसेप्ट बनते हैं दोस्तों, दूरी दूरी पर होंगी दोस्तों और आगे होंगी दोस्तों। जब भी आपको कहे दूरी तो दोस्तों आपको करना है माइनस, और कहे आपको कहा दूरी तो आप करेंगे माइनस, घटा देंगे दोस्तों ये समय मैं बताऊंगा कहाँ घटाएंगे आप, और आगे कहे दोस्तों आपको करना है प्लस। इसे आप नोट कीजिए, ये बहुत ही मेन है दोस्तों, आप इसे नोट कर लो, ये बहुत मेन होने वाला दोस्तों, नोट करिए दोस्तों आप इसे। तो आपने दोस्तों ये नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों अपने प्रश्न को देखते हैं हम, 4 और 5 दोस्तों, 4 और 5 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई 3 मिनट की दूरी पर होंगी दोस्तों। तो 4 है दोस्तों, 4 और 5, तो दोस्तों आपको H1 ही लेना है दोस्तों, H1 आपने ले लिया दोस्तों, 4 और 5 में से H1 आपको लेना है, और उठा के 5 की गुना कर देनी है दोस्तों। ट्रिक है, ट्रिक करके नोट कर लो आप, आपके लिए ट्रिक, धांसू से धांसू ट्रिक लाते हैं हम, धांसू ट्रिक से नोट करना दोस्तों, धांसू ट्रिक जो भी प्रश्न है आपका, आपका H1 जो भी है 5 से गुना कर दो, आ गया 20, 5 से गुना कर दिया आ गया 20, और जो भी समय बोला दोस्तों उन्हें 3 मिनट दूरी कहा तो माइनस, आगे कहा तो प्लस, तो माइनस कर देंगे दोस्तों 3, ये आ जाएगा 17, और 17 दोस्तों जो हमारा आंसर आ रहा है निकल के 12/11 से दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों 11/12 से आप गुना कर दो दोस्तों 17 को, और जो आंसर आएगा वही हमारा कंप्लीट आंसर होगा दोस्तों, 12/11 से दोस्तों, इसमें आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें दो ट्रिक बनती है दोस्तों, ट्रिक 1 आपको 5 से गुना करनी है, ट्रिक 2 दोस्तों आपको 12/11 में रखना है। ये दो ट्रिक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लो, इसी के बेस पर सारा प्रश्न निकलेगा। और एक ट्रिक और आपको लिखा है मैंने, दूरी और आगे, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर 12/17 को हम हर सवाल में वो करेंगे दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों इसकी जब हम गुना करेंगे 17 दूनी 34, 4 बजेगा, हासिल हमारे बचेंगे 3, 17 और 3 20, 204 दोस्तों, और बटे में 11। बाई ऑप्शन यही है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर के हिसाब से। बाकी आप पे गुना करनी आती है दोस्तों, भाग करनी आती है और डीपली जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों 2 से और 3 दोस्तों, 5 मिनट की आगे होंगी दोस्तों, 5 मिनट आगे होंगी दोस्तों, 2 और 3 के बीच में दोस्तों 5 मिनट आगे होंगी दोस्तों, मिनट और घंटे के बीच में। तो दोस्तों 2 और 3 आपको लेना है H1, 2 उठाया गुना ट्रिक 5 10, और दोस्तों आप बताओ आप आगे हैं दोस्तों, 5 मिनट आगे हैं, अब आप बताओ कि आप प्लस करोगे या माइनस। तो प्लस करोगे दोस्तों, प्लस 5 आ गया हमारा 15, और 15 दोस्तों 12/11, ट्रिक में रख देंगे हम दोस्तों 15। अब आप बताओ दोस्तों ये कोई भारी है दोस्तों, मैं मन में कर सकते हो दोस्तों, पहला समय उठाया 5 से गुना करी, माइनस या प्लस दोस्तों देख लेंगे, प्लस कर दिया और 15 12/11 में आप उठा कर रख दो। तो दोस्तों 15 150 और 15 180 दोस्तों, 160 80 11, 15 0 हाथ से लगी थी 18 दोस्तों। अब इसे भाग कर देंगे वाई ऑप्शन, अगर आपका आंसर ये है तो आप ये भी सही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको दूरी वाला भी करा दिया और आगे वाला भी करा दिया, इससे अलग दोस्तों आपको कुछ भी प्रश्न इसमें नहीं रह जाता दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हमारी पूरी होती है, और दोस्तों आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।